हमारे लिए इसीलिए अंडमान निकोबार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अंडमान निकोबार चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम जो भी ये चाइना के लिए जो सप्लाई होती है वो यहाँ से ज़्यादातर होती है, ऊपर से सिंगापुर होके जाती है, तो ये इस एरिया से निकलता है। ये उसकी दुखती नब्स है, इसीलिए वो इसको बाईपास करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहा है। जैसे उसने अब नया रास्ता क्या ढूंढा कि पाकिस्तान से होकर सीधा यहाँ पे आ जाओ, ये यूज़ ही ना करना पड़े, यहाँ से यहाँ तक सी का रूट यूज़ करो, यहाँ लैंड कर रूट यूज़ करो, इंडिया के ऊपर अक्सर चीन और पाकिस्तान के पास कश्मीर से बट उसकी कनेक्टिविटी हो रही है, उसको ये इस पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। लेकिन स्टिल उसके लिए कोशिश वो कर रहा है, जैसे यहाँ उसके लिए बहुत होस्टाइल कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज से उसकी दुश्मनी है, साउथ चाइना सी में वो आइलैंड धीरे धीरे कब्जा रहा है वो। अब ये चक्कर है, जितने आइलैंड्स रहेंगे जितना इस एरिया पर उसका कंट्रोल रहेगा उतना वो बेनिफिशियल है उसके लिए, फ़ायदेमंद। सारे आइलैंड चाइना के खिलाफ ही है ना, सारी कंट्रीज ज़्यादातर चाइना के खिलाफ। ताइवान को तो अपना अंडर में मानते हैं, ताइवान उसके अंडर नहीं है, लेकिन ताइवान का बिजनेस, ताइवान और उसका एंटी है, लेकिन ताइवान को बिजनेस के लिए चाइना पर डिपेंड।